देख रहे हैं टीटीएन 24 और मैं श्रुति दुबे। खबर आ रही है फरुखाबाद से, जहां लड़की पक्ष ने लड़के पक्ष पर कम वजन के जेवर लाने का आरोप लगाते हुए शादी से इनकार कर दिया। जी हां, थाना राजेपुर के पट्टी दारापुर निवासी 30 राम की पुत्री का विवाह जनपद एटा के सोनखा के सूरज के साथ तय हुआ था। 22 जून को जेआरडी गेस्ट हाउस में शादी के लिए दोनों पक्ष पहुंचे थे। जयमाल के दौरान लड़की पक्ष ने लड़के पक्ष पर कम वजन के जेवर लाने का आरोप लगाते हुए शादी से इनकार कर दिया। क्या नाम है आपका? सूरज। पिताजी का? कहाँ के रहने वाले? ग्राम सोनखा, जिला एटा। क्या क्या समस्या थी आज जो आप आज पतवाली में आए हुए थे? आप वही समस्या थी, मतलब हम मेरे शादी, थोड़ा जोर से बोलो यार। 22 तारीख की शादी थी मेरी और जो है लड़की वालों ने। शादी कहाँ पर दी आपकी? जीआरडी गेस्ट हाउस में थी। लड़की वाले कहाँ के थे? लड़की वाले पट्टी दारापुर। और मतलब जब तो क्या शादी हुई कि नहीं आपकी? शादी नहीं हुई। वो क्या निपटारा हुआ? वरमाला डली थी, उसके बाद कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। नहीं, क्या वजह रही जो शादी जो की, मतलब जो हम जेवर लाए थे लड़की वालों के हिसाब से, वो मतलब हल्का हल्का था जेवर। तो इस वजह से उन्होंने मतलब शादी अपने एंड से मना कर दिया कि हम नहीं करें। और अभी कुतवाली में क्या क्या रहा? कुतवाली में जा रहा आपका? अपना हिसाब कर लिया कि मतलब उनको इतना, मतलब जो सामान था वो हमने दे दिया, लेन देन हो गया हमारा, समझौता हो गया आपका? समझौता हो गया। अच्छा, आपसे अभी कोई सिपाही पैसा मांग रहा था? नहीं सर, मैं इसमें कुछ बोला नहीं चाहूँगा। नहीं, अभी जैसे आपने भी बताया था कुछ? नहीं सर, मैं बोलना नहीं चाहूँगा सर कुछ। अच्छा, ये आज बारात जो है बिगर दुल्हन के जा रही है? हाँ, बगैर दुल्हन के जा रही है। बात नहीं मान रहे हमारे सामने, देख फोन करके ले लेगा तो देख लेना। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए टीटीएन 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।